बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बैंगन का भरता, देसी स्टाइल में बनाया हुआ बैंगन का भरता। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बैंगन लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसको चूल्हे पर रख कर बनाते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस ग्रिल को मूव कर लेंगे, क्योंकि हम देसी स्टाइल में बनाएंगे तो फिर उसके लिए इसको भी मूव करेंगे, इसको यहाँ पर बिछा लेंगे। इसको डबल कर देंगे। इसके ऊपर ये ग्रिल रख देंगे और चूल्हा कर देंगे ऑन। हमारा ये जो बैंगन है हम इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ पकने देते हैं, और फिर इसके बाद इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चलें चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच इसकी धीमी कर देंगे ताकि इसको उठाने में इजी हो। ये देखें, क्योंकि मैंने अब ये देखें यह पकना शुरू हो चुका है। शादी थी कि ये देखें माशाल्लाह से। इसको हमने देसी स्टाइल में बनाना है, सिर्फ घी और नमक और काली मिर्च से। ओवन में भी बना सकते हैं, इसको रैप करके एलुमिनियम फॉयल में और ओवन में रख दें तो उस तरह भी बनता है इसका। वो एक मेथड भी है। वैसे अगर आप इसको कोयलों पे बनाएं तो उसका तो टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि वो तो फिर कोयले का टेस्ट होता है बारबेक्यू स्टाइल में। वो तो बहुत ही देसी स्टाइल जो होता है कोयले पर, जो हम लोग पाकिस्तान में बनाते हैं, तो वो तो बहुत ही मज़ेदार होता है, लेकिन ये भी अच्छा होता है। ओहो, एग प्लांट जो है हमारा वो डन हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, देखें एग प्लांट जो है डन हो चुका है हमें। तो ये स्किन जो है हम इसकी ऑफ करेंगे, कोशिश करेंगे कि सिर्फ जो ब्लैक पार्ट है वो ही ऑफ हो। इसका साफ जो अलग कर देंगे, इसकी ये हमने स्किन ही ऑफ करनी है। आपके हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये गर्म है तो इसलिए थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है। ये जो पार्ट है हम इसको बोल में निकाल लेंगे, साफ साफ है, और बाकी का साफ कर लेते हैं। हमने अपना बैंगन का जो इनसाइड था वो सारा निकाल लिया है, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर कोई स्किन का पार्ट आपको नज़र आता है तो आप उसको निकाल लें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। वैसे मेरा ख्याल था कि ये बैंगन पकने में टाइम लगेगा, लेकिन ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में रेडी हो गया, इतना टाइम नहीं लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें और 1/4 टीस्पून नमक, मिक्स कर लेंगे। बैंगन का भरता देसी स्टाइल में हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे। तो बैंगन का भरता हमारा, देसी बैंगन का भरता हमारा रेडी हो चुका है। हम पाकिस्तान में इसी तरह अपने गांव में देसी स्टाइल में भरता बनाते थे। तो ये है हमारा देसी स्टाइल में बना हुआ बैंगन का भरता। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी अभी लाख टाइम पे मिल सके। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।